Hi, मैं हूँ श्रुति with my second nature. And today it's time for mic off. आवाज की दुनिया में voice का component सिर्फ 1% होता है. भारी भरकम 1%, but फिर भी सिर्फ 1%. बाकी का 99% होता है दिमाग. और आज उसी दिमाग के अंजर पंजर ढीले करेंगे विद एक ऐसी आवाज जिसको ना सिर्फ आप पहचानते हैं बट पिछले 15 सालों से आप उस आवाज को सुन के रोज जाग रहे हैं. माई गेस्ट टुडे इज अ सुपर डायनामिक वुमन. मतलब इतना एंथुजियाज्म फॉर लाइफ है कि उनकी हग्स भी फेमस हैं. आई एम नॉट किडिंग. शी इज अ आरजे, एंकर, एमसी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, सिंगर, एक्टर, डांसर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली She is a very big-hearted, happy soul and a very dear friend. Let's welcome Archana Panya. Hello, Archu. Oh my God, Shruti, aap aur main radio ke wajah se mile and I thank God for that because ek sangam hoti hai logon ki, artists ki aur like-minded logon ki aur aap unme se ek ho. To jo bhi aapne mere liye bola hai, copy-paste. मैंने ऑलरेडी पता है पिछले एपिसोड में वार्न कर दिया था कि इस एपिसोड की एनर्जी बहुत हाई होने वाली है, सो कम प्रिपेयर्ड. यू नो द थिंग इज आई हैव ऑलवेज बीन अ मोटो माउथ बट आई ऑलवेज थॉट कि मैं अपनी फुट इन माउथ डालती हूँ. ये बचपन में मेरे हमेशा सीन्स थे एंड देन समबडी टेल्स यू ये लो माइक आप बात करो और हम आपको पैसे देंगे. मुझे बहुत सरियल लगता है ये पूरा एक्सपीरियंस एंड इनफैक्ट आई स्टार्टेड माय रेडियो करियर इन 2002 श्रुति जब प्राइवेट एफएम आया था. सिमिलरली एज यू आई थिंक और इसलिए मुझे लगता है कि 18 साल लाइक आई फील लाइक अ डायनासोर यू नो सडनली लाइक इतना आवाज से चला गया. आवाज से तो यार सच अ हॉटी राइट नाउ आल्सो लाइक इट्स फुल्ली लाइक व्हाट. सो इनफैक्ट मैं वही पूछने वाली थी दैट हाउ डिड इट हैपन 2002 में. मतलब ऐसी राह पे चल रहे थे, किसी ने कहा अरे आपकी आवाज तो बड़ी अच्छी है जरा आ जाओ ना, ऐसा तो नहीं हुआ होगा? लाइक व्हाट डिड हैपन? आज की दुनिया में सबको ऐसे लगता है कि वो भी आरजे बने और वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि मुझे लगता है मेरी आवाज बहुत अच्छी है. आई जस्ट लुक एट देम एंड वंडर सेइंग कि आवाज से कोई कनेक्शन हो लेना देना है ना. एग्जैक्टली. सो यार इट्स कंटेंट इज किंग क्वीन व्हाटएवर आप बोल दो. और 2002 की बात ये थी कि मैं एक्चुअली एक टूटे हुए दिल को सहलाने के चक्कर में मैंने सोचा कि आई वाज अ वेब डिजाइनर बाय द वे एंड आई वाज डेटिंग अ बॉय हु वाज इन द यूएस और मुझे लगा अगर मुझे यूनाइटेड स्टेट्स जाना है तो मेरे योगा स्किल्स से आगे मैं कुछ और भी सीख लूँ जिससे थोड़ी सी जॉब और आमदनी भी हो जाए. सो आई सेड हैव टू बी फ्रेंड्स विद द कंप्यूटर एंड दैट्स व्हाई माय फर्स्ट जॉब जर्नी स्टार्टेड एज अ वेब डिजाइनर. एंड तब मुझे जब ये हार्ट ब्रेक हुआ और उस लड़के ने किसी अमेरिकन लड़की को चुना, फिर मैंने बोला अब तो मैं कुछ बन के दिखाऊंगी एंड आई सेड टू माय सेल्फ सो फिल्मी आई लव इट. आई इट्स नॉट बदले की आग में बट यू नो यू आर जस्ट लाइक ट्राइंग टू सर्च फॉर योरसेल्फ बिकॉज अंटिल देन द जर्नी वाज कि मैं एक मिसेज बन के रह जाऊंगी लेकिन उसके बाद की जर्नी थी कि नहीं मैं अर्चना बनूंगी एंड व्हाट इज अर्चना ऑल अबाउट. सो आई सेड यू नो व्हाट, पहले तो ये कंप्यूटर को हटाओ बिकॉज मैं एक एक बॉक्स के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती. एंड एज यू नो ऑल प्रोग्रामर्स उनके कीड़े यही होते हैं कि नया सॉफ्टवेयर आया है उसको ट्राई करना ये वो. आई सेड बॉस ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा. मैं बहुत इंसानों से जुड़ी हुई हूँ एंड आई वॉन्ट डू समथिंग दैट हैज अ पीपल टच इन इट. तो क्या हुआ कि मैं actually masters in art पढ़ने जा रही थी एंड आई सेड एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. ऑफ कोर्स आई थिंक हार्ट थोड़ा यूएस की तरफ ही पुल हो रहा था क्योंकि लड़का भी वहीं था और मुझे लगा कहीं अगर मेरे को मैं दिखा दूंगी कि मैं एक आर्टिस्ट बनूं. अभी तो चांस है. No. चांस तो अभी भी है. Exactly, I was very clear कि उसने ये गाड़ी छोड़ी है अब तो मैं नहीं वापस चढ़ने वाली हूँ गाड़ी में. सो आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट दैट बट आई वॉज जस्ट कीन बिकॉज इवन टुडे आई हार्बर दिस ड्रीम कि मैं कभी ना कभी एक स्टूडेंट बनूंगी. एंड क्योंकि मैं श्रीदेवी की बहुत बड़ी फैन हूँ तो इंग्लिश देखने के दौरान तो वो एक्चुअली एक सील हो गया कि ये तो होना ही है मेरे लाइफ में कि आई बी वन ऑफ द एल्डर स्टूडेंट्स इन द क्लास रूम बट आई वॉन्ट टू स्टडी. बट While I was actually making the portfolio for going abroad, मेरी जो आर्ट टीचर थी ना वो बहुत ही फिल्मी बहुत मज़ेदार थी एंड आई हैड टू मेक अ पोर्टफोलियो टू शोकेस टू माई यूनिवर्सिटीज दैट आई ऑफ कोर्स आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट. तो मैं पेंटिंग सीख रही थी उस दौरान एंड शी टोल्ड मी कि यार तू क्यों ये सब कर रही है, तू तो बकबक करने के लिए पैदा हुई है, यू जस्ट मैं कितना बोलती है तू रेडियो जॉकी बन. एंड दैट वॉज वेन प्राइवेट एफ एम सीन्स वर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट इन इंडिया. तो मुझे लगा कि ठीक है बट ऐसा तो कोई सपना ही नहीं था ना श्रुति, मन में था ही नहीं कभी, सोचा ही नहीं था. एग्जैक्टली.
मे बी प्ले में ऐसा होता था कभी कभी कि मैं तब मैं उस जमाने की हूँ जब हमारे पास लैंडलाइंस हुआ करते थे, थैंक यू वेरी मच. तो मैं वो रिसीवर जब उठाती थी तो आई हैड टू वेट फॉर द डायल टोन टू गो सो आई कुड हियर माय ओन वॉइस एंड आई वाज वेरी एनैमर्ड बाय द वॉइस वॉल. मतलब मैं जब एड्स देखती थी टेलीविजन पर, और मेरी पैदाइशी कुवैत की है तो जब आप देश से दूर होते हो तो यू ट्राई एंड फाइंड वेज एंड मीन्स टू स्टे कनेक्टेड टू योर पीपल. रेडियो वॉज वन ऑफ देम. बट ये कभी नहीं था मन में कि मैं आरजे बनूँ, ये कभी भी मेरे प्लान में नहीं था. और आज ऐसे लगता है कि लोग सोचेंगे ये झूठ है, क्योंकि जब मैं हीरोइंस को देखती थी उनके इंटरव्यूज में कि आई नेवर वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस, तो मैं सोचती थी चल झूठी, हमेशा मन में ऐसा यू नो सबट्रैक्ट चलता था. बट आई टुडे रियली अंडरस्टैंड कि डेस्टिनी क्या चीज़ होती है. बिल्कुल. मेरी आर्ट टीचर ने मुझे नज किया और एक दिन फाइनली व्हेन आई वेंट इन ऑडिशन आई सेड मेरा तो कोई चांस ही नहीं है. वहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे लोग थे, कुछ डिजाइनर्स, कुछ वीजेस, वेरी कॉन्फिडेंट पीपल जो पूरी दुनिया जहाँ शायद देख के आए थे. एंड आई वॉज नॉट दैट आउटस्पोकन. मतलब कॉलेज और स्कूल में कभी एलोक्यूशन और डिबेट्स में पार्टिसिपेट भी नहीं की थी. तो आई वॉज लाइक व्हाट आई एम डूइंग हियर, यू नो, कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ. इतना मजा आया श्रुति, बिकॉज यू नो हाउ मच आई लव पीपल. तो इतने अलग अलग लोगों को मिलके ऐसे लग रहा था वाह, मुझे तो ऐसे जन्नत मिल गई. जैसे द ओनली थिंग माई हार्ट वॉज डूइंग वॉज बींग हैप्पी इन द प्रेजेंस ऑफ सच एनर्जी. एंड मुझे अभी भी याद है एक बहुत ही प्यारा दोस्त है अब मेरा, वो डेलॉन करके था, वी हैड मेट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही जस्ट लाफ्ड एंड ही वाज लुकिंग एट मी विद वंडर एंड ही सेड आपको तो पक्का मिल जाएगा. सर क्यों? लेकिन आपकी हंसी बहुत अच्छी है. तो मुझे लगा कितना पागल बन रहा है, मतलब यहाँ हम लोग बोल रहे हैं मुझे मेरी हंसी सुनने कौन आया है. तो मैंने उसको यू नो उल्टा मुंह बोला कि नहीं नहीं मैं अंदर जाके बोलने वाली हूँ, मैं हंसने नहीं वाली हूँ. एंड आयरोनिकली श्रुति उस दिन मुझे चुना गया. एंड उस दिन के ठीक एक साल बाद मुझे याद है रेडियो पर मेरा एक पूरा एड बना था विद ओनली माय लाफ्टर इन इट. My so different kinds Dylan was blessed. You know, he knew. है ना? देखते ही was like, यही है, बस यही है. That is so amazing. But listen, as a RJ, because वो एक दिन था और आज एक दिन है. Like, you know, I don't think there's anyone who doesn't know you. You make it sound so effortless. कि मतलब हाँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, ये तो कितना easy है. You know, चल रहा है बस कहानी. But actually, पीछे की कहानी ये है that actually it's a very stressful job. बहुत सारी चीजें, बहुत aspects को निभाना पड़ता है इकट्ठे. मतलब after doing the whole RJing stint in my life, अब अगर मुझे कोई बोले ना कि वापस बन जाओ, I don't think मैं कर पाऊंगी. Because वो बहुत मुश्किल, मतलब मुझे बहुत tough लगता है, stressful लगता है. So how do you manage your stress? I think Shruti, initial stress बहुत ज्यादा था, because मैं English में सोचती थी, हम सब लोगों की तालीम जो हुई है, और अक्सर हम लोग के जो friends हैं, we tend to communicate more in English. Especially मेरे लिए, क्योंकि हम लोग विदेश में थे, तो ज़्यादातर आंटियों के साथ हिंदी बात कर लिया, वो अलग होता है. लेकिन यू नो स्कूल में एक रवैया होता है, एक बेसिक जो लैंग्वेज होती है वो अंग्रेजी होती है. तो इनिशियल स्ट्रगल वॉज रियली फॉर रियल. ऑल्सो मैं ना प्रेसी स्पीकर नहीं हूँ. इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू हैव एक्सपीरियंसिस मैनी अ टाइम्स, मैं एक ही चीज़ को 10 बार बोल के और उसको उसका एक कॉम्पोजिशन बना सकती हूँ. तो ये एक मेरी आर्ट भी है और ये मेरी एक फ्लॉ और ड्रॉबैक भी है, बिकॉज यू नीड टू से मोस्ट इन द लीस्ट. ये रेडियो का सबसे प्राइमरी रूल है. एंड जैसे जैसे टाइम इज गोइंग बाय आई रियलाइज सबके अटेंशन स्पैन्स इतने ज़्यादा कम होते जा रहे हैं कि आई थिंक इट्स आवर प्रेरोगेटिव कि हाउ डू यू मेक देम कीप पेस विद यू और यू कीप पेस विद देम. हैविंग सेड दैट, इनिशियल लैंग्वेज का जो एक बैरियर था उसको मैं लिख लिख के, स्क्रिप्ट अपनी लिख लिख के उसको थोड़ा बहुत ओवरकम कर पाई. आई थिंक इनिशियल स्टेजेस ऑफ रेडियो में श्रुति हमको काफ़ी ट्रेनिंग मिली फ्रॉम पीपल हु बीन एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया. ये देशों में इतना ज़्यादा डिस्टेंस होता है शहरों में, और ड्राइव इतनी लंबी होती हैं कि वहाँ रेडियो ही स्टार है. तो जब ये लोग आके हमको उनकी इंसाइट्स बताते हैं, बिकॉज देव बीन अराउंड फॉर मच लॉन्गर दैन प्राइवेट एफ एम हैज़ बीन इन इंडिया, तो बहुत सारी इंसाइट्स मिली. एंड दैट वॉज अ ग्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर मी. बट डेली स्ट्रेस, और ये एक बहुत रिसेंटली बहुत ही प्यारी बंदी है जो रेडियो को बिलोंग करती है, कॉल हीरल. एंड हीरल मेड दिस ब्यूटिफुल ऑब्जर्वेशन जो शायद ही किसी ने रेडियो जॉकीज को लेकर किया हो. लोगों को लगता है क्या हमारा काम है भाई, माइक शुरू करो, बोलते जाओ. और हीरल ने बोला कि रोज कंटेंट बनाना, रोज कुछ नया सोचना, रोज उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब हैट्स ऑफ टू यू गाइस. वो भी आई थिंक कहीं ना कहीं क्योंकि इस प्रोसेस में अभी जुड़ गई है, तो वो फील करती है कि कैसे करते हैं. बट आई थिंक एक चीज़ जो हम में इनेट है और वो है एक कनेक्ट. ये मुझे लगता है एक ब्रह्मास्त्र शब्द है फॉर रेडियो एंड फॉर एनी मीडियम विच इज़ गॉट टू डू विथ
यू नो प्रेजेंटिंग समथिंग टू द वर्ल्ड टू पीपल. और उस कनेक्ट में ऐसा होता है जब आप घर से निकलते हो, पहले तो शुरुआत घर से होती है कि भाई आपकी बाई वापस आ गई है अभी फाइनली लॉकडाउन में, अब आपकी लाइफ थोड़ी बेटर हो गई. यू नो यू आर टॉकिंग टू पीपल एंड यू आर टॉकिंग देयर लाइव्स टू देम, बट उसमें आपको तड़का डालना है. एंड ये भी है कि लाइक यू से बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि आपको ज़्यादा ओपिनियनेटेड ना हो. वी हैव टू हैव सम ओपिनियन अबाउट इट बिकॉज वही हमारे लिसनर को हमसे बाइंडेड रखता है. और इसके लिए आई थिंक एक टू हैव ऑब्वियसली टू हैव अ स्पाइन, टू हैव एन ओपिनियन बट नॉट ब्लैक एंड वाइट. कहीं ना कहीं हमारी बातें ग्रे एरिया में ट्रेड होते हो, कभी ब्लैक या वाइट चली जाती होंगी. बट दैट बीइंग वन एंड द अदर, आई थिंक श्रुति आई लव द फैक्ट कि हम इतने कलरफुल देश में रहते हैं जहाँ रोज कुछ सिग्निफिकेंस का हो रहा होता है. या तो कोई फेस्टिवल होगा, या तो कोई यू नो मौन वाली कोई चीज हो रही होती है, कुछ ना कुछ तो होते रहता है. एंड आई समहाउ सीम टू फाइंड माय कनेक्ट विद इट. सो बॉलीवुड हो, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स, आई एम नॉट अ वेरी पॉलिटिकली इंक्लाइंड पर्सन, बट और शहर की बातें तो मुझे हमेशा एक्साइटेड रखती है. एंड कम ऑन, वी लिव इन द मोस्ट एक्साइटिंग सिटी इन इंडिया. मुंबई से ज्यादा हैपनिंग शहर कहाँ मिलेगा आपको, यू नो. तो आई टोटली अग्री, एग्जैक्टली. तो स्ट्रेस कम है अभी, बस मैनेजिंग इट बेटर इज द बिगर चैलेंज. बिकॉज आई रियलाइज्ड ओवर द इयर्स जब आपको इतने लोग सुनते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा होती हैं. एंड टच वुड, बिकॉज हमारी क्रेडिबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बन गई है, लोग अब हमको जानते हैं फॉर अ फैक्ट. सो नाउ देयर इज ट्रस्ट, देयर इज एक्सपेक्टेंसी, और अब हम लिटरली जो वो कहते हैं ना रेडियो जॉकीज दोस्त होते हैं, हम वो दोस्त बन गए. पर अभी दोस्ती निभाने में, जैसे आपको भी पता है सो टेरेबल एट कीपिंग इन टच, बट दोस्ती निभाने में दो ही चीज़ होती हैं, आप दोस्त का ख्याल रखो, वो कैसे हैं उनके बारे में पूछो. एंड दैट इज़ अ हाईलाइट फॉर माई शो. मुझे अपने कॉलर से बात करना और मुझे ये अंडरस्टैंड करना कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है. आई लव, आई एम अ लिसनर ऑफ सॉर्ट्स कि मेरी बेस्ट फ्रेंड्स और मेरी फैमिली कभी कभी सोचते हैं कि किस किस से बातें करती है, यू नो, इसको इतना टाइम कैसे है, मतलब व्हाट डज शी डू, एंड एनर्जी कैसे है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली कहाँ से आती, कहाँ से इतनी एनर्जी. यू नो कुछ लोग होते हैं उनका माइक ऑन होता है, एनर्जी ऑन हो जाती है, माइक ऑफ होती है, उनकी एनर्जी ड्रॉप होती है. यू आर नॉट वन ऑफ दोस. आपकी एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है, माइक ऑन हो ऑफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी कॉन्स्टेंट. मेरे चाचू मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये केशव मुखर्जी है, बिकॉज केशव मुखर्जी वॉज इटर्नली ड्रंक इन ऑल हिज फिल्म्स व्हेन ही हैड नॉट इवन had a drop of alcohol in real life is the story. और मेरी भी कुछ ऐसी कहानी है श्रुति. I am not fond of alcohol, but मैं हमेशा से बचपन से थोड़ी सी येड़ी रही हूँ, and that's a very local Mumbai word, which means a little crazy, a little crack. और मुझे हर चीज़ में ना एक कोई अनोखी बात दिखती है, और हर इंसान में भी. तो ये आई थिंक एक प्लस पॉइंट है, इट्स अ गिफ्ट. कभी कभी वो हर्ट भी कर जाती है, बिकॉज हम हर किसी को पॉजिटिवली अगर देखें तो कभी कभी हर्ट भी हो जाते हैं, बिकॉज एक एक्सपेक्टेंसी होती है कि ओ दिस पर्सन इज सो नाइस, बट देन व्हेन यू सी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर सो कॉल्ड एक्सपेक्टेशन और पॉइंट ऑफ व्यू इज, वो भी हर्ट कर जाता है. बट आई थिंक टच वुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड ऑन इन द लॉन्ग रन आई हैव सीन इन माय लाइफ, जब जब मैं अपने व्हेन आई लुक बैक आई हैव सीन दैट मोस्ट सिचुएशंस हैव डन मी गुड, मोस्ट सिचुएशंस हैव लेफ्ट मी हैप्पियर. और ये इसलिए भी है क्योंकि एक वर्ड में बहुत ज़्यादा जप करती थी बचपन से, अनकंडीशनैलिटी, कि आप जैसे इंसान है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो. कितनी प्यारी बात है. नॉट दैट इट हैपेंस एवरी टाइम श्रुति, आई विल बी ऑनेस्ट. अरे बहुत कोशिश करनी पड़ती है, और अगर होता भी है तब भी कोशिश करते रहना पड़ता है. इट्स एवरीडे प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस, टोटली. एंड इट्स एन एवोल्यूशन, बट आई थिंक आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड टू हैव, आई थिंक माई बिगेस्ट हैप्पी पॉइंट इज टू हैव अ गुड फैमिली. मॉम डैड मस्त हैं, हमेशा लोगों की हेल्प करने में लगे रहते हैं. वेन यू डोंट हैव अ वेरी सेल्फिश एग्जिस्टेंस, कहीं ना कहीं आपकी खुशी दूसरों से डिराइव होती है, दूसरों को देने से डिराइव होती है. एंड उसमें तो कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि रोज़ आपको कोई ना कोई ऐसे मिल ही जाता है. एंड वी नो बोथ ऑफ अस हैव बीन सॉर्ट ऑफ पार्ट हीलर्स, व्हेन वी आर देयर फॉर पीपल, जब हम उनसे बातें करते हैं, उनका मन हल्का करते हैं, तो हमें इतना अच्छा लगता है. क्योंकि एक मास कॉन्शियसनेस है इस दुनिया में, जहाँ आपको ये जानना चाहिए कि आपकी खुशी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की सामने वाले की. एंड रेडियो गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी, इट ब्रिंग्स सच पीपल इन फ्रंट ऑफ यू. आई जस्ट वांट टू टेल यू राइट नाउ एज वी स्पीक, मैं लैपटॉप्स दे रही हूँ उन लोगों को जिनके घरों में
स्टडी फ्रॉम होम की वजह से बहुत दिक्कतें हो रही हैं. पीपल डोंट हैव लैपटॉप्स. आई डोंट नो हाउ आर दे डूइंग देयर असाइनमेंट्स. मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूं. दैट्स अमेजिंग. या एंड लकीली मेरे एक फ्रेंड बने हैं मेरे इस इंडस्ट्री में जब मैं वेब डिजाइनर थी एंड ही हैपेंस टू बी फीचर्ड ऑन द फ्रंट पेज ऑफ ऑन द कवर ऑफ फोर्ब्स. ही इज दैट रिच. सो मैंने उसको ना पकड़ के बोला कि ए तू पूरी दुनिया घूम रहा है, अभी दे कुछ अपने देश को दे वापस. तो फिर वो हंसने लग गया. तो ही सेड यार श्योर. सो आई सेड यार आई वांट लैपटॉप्स. सो ही वाज ग्रेशियस इनफ टू से आई एम सेंडिंग इट टू यू. बट यू नो ओनली यू कुड हैव डन दैट. फॉर ऐसी पकड़ के किसी को कह देना अबे क्या कर रहा है चल लैपटॉप दे, सब लोग नहीं कर सकते. दिस इज यू. सुनने वालों को बताना चाहती हूँ श्रुति इज फैबुलस विद कीटो फूड. एक बार मेरे घर पे कीटो पार्टी थी. अच्छा श्रुति मैं वैसे तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, प्लीज कीटो खाना लेके मेरे घर पे आ जाओ. भाई ये क्या बात है, मतलब मेरे को पार्टी में कीटो खाने के एंड द वर्स्ट पार्ट इज At that point, party में कोई कीटो पे नहीं था. तो सारे वो कीटो खाना देख के बोल रहे हैं, अरे भाई ये तो बड़ा ड्राई है. Actually, no, I was very keen to introduce them to your, frankly, मैं बोल रही हूँ, बहुत कम लोग मेरे लाइफ में मुझे मिले हैं जिन्होंने इतने कंसिस्टेंटली एक डाइट को फॉलो करके एंड यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड. सी इट्स नॉट अबाउट वेट एंड ब्यूटी, यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इंटरनली. आपने इसको एक कॉन्सेप्ट माना है जैसे लोगों को जब इट्स अ लाइफस्टाइल फॉर मी. नहीं बट एक होता है ना जब इंसान को भगवान मिल जाता है फिर उसको इंसान में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है टाइप्स. आपने पता नहीं क्या इस कीटो में चख लिया है भगवान की, आपको कुछ और दिखता ही नहीं है अभी यार. एंड टच वुड यू रियली एग्जूड दैट इन योर पर्सनालिटी टुडे. सो या थैंक यू सो मच. आई थिंक वी आर वेरी ब्लेस्ड श्रुति दैट वी हैव थ्रू आर इंडस्ट्री. मुझे मेरा पति रेडियो के वजह से मिला. मुझे मेरी या यू नो आई मेट हिम इन माई फर्स्ट जॉब एट रेडियो स्टेशन. ही वॉज अ फर्स्ट आर जे हंट विनर. और वो ऐसे चलते फिरते अपने सेल्स जॉब में वो जो होटल्स के लिए कर रहे थे वो उन्होंने देखा अरे ये क्या रेडियो जॉब की बोलता है चल ट्राई कर लेते हैं. ही इज वन ऑफ इज अ स्टार बॉय यार, मतलब वो स्टार आदमी है. आई टोटली एग्री, ही इज अमेजिंग. कुछ भी करता है ना इतने फिनेस के साथ करता है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा ये फर्स्ट टाइम कर रहा है रियली. एंड उसकी लैंग्वेज स्किल्स है माशाल्लाह. तो आई रियलाइज कि रेडियो ने मुझे लाइफ में लिटरली सब कुछ दिया. इन माई फर्स्ट जॉब विच अगेन लाइक आई सेड आई डिडंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन, वो मिल गई. उसके ढाई साल बाद मैंने वो जॉब छोड़ी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं आई थिंक आई शुड गिव माई सिंगिंग अ लिटिल ट्राई. आई लव सिंगिंग एज वेल. और मुझे कहीं सही गुरु नहीं मिल रहे थे तब. उस दौरान वन ऑफ द अदर मोस्ट लीडिंग वॉइसेज इन आर कंट्री मलिश्का कॉल्ड मी एंड शी सेड लिसन आई एम डूइंग दिस रेडियो, यू प्लीज कम. मुझे यू नो लगता है कि तुम बहुत फिट हो इसके लिए. तब मैं इंटरनेट रेडियो करने लगी और I started getting, you know, letters and emails from all across the globe and it was such a beautiful feeling. I'm sure you get that now. I just realized, oh, this medium is just always so calling out to me. Phir jab teesri baari aa rahi ki nahi main to abhi yahi karungi, suddenly a big radio station comes back saying ki hum ek music fest breakfast show kar rahe hain jahan Lata Mangeshkar se leke आशा भोसले सब आ रहे हैं एंड वी वॉन्ट यू टू बी द फेस. एंड आई सेड हेलो मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं स्टॉक्स नहीं पढ़ती हूँ, मैं स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, मैं पॉलिटिकल व्यू पॉइंट मेरी बहुत वीक है, मैं क्या करूँगी ब्रेकफास्ट शो पे. दे सेड नो दिस इज अ ब्रेकफास्ट शो विद अ डिफरेंस. एंड दैट वाज द डे आई रियलाइज कि कुछ तो है भाई कि मैं कहीं पर भी चलेंगे रेडियो मुझे पुल बैक कर रहा है. And I always have get these signs from the universe. तो जिस दिन मैंने रेडियो ज्वाइन किया था उस दिन देवानंद जी का बर्थडे था और मुझे याद है मैंने बोला ये कि जैसे देवानंद जी की एक लंबी इनिंग्स मतलब बॉलीवुड में खत्म ही नहीं होती है. पहले वो एक्टर बन जाते हैं फिर डायरेक्टर बन जाते हैं फिर प्रोड्यूसर बन जाते हैं, जैसे उनका चलते ही जा रहा है. आई थिंक मेरा और रेडियो का कुछ ऐसा है. मैंने सिर्फ इतना बोला एंड आई स्टिल रिमेंबर देर वॉज अ स्टूडेंट हु कॉल्ड मी एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हु लिटरली क्राइड इन जॉय सेइंग आप कहाँ थे, मैं आपको ढूंढ रहा था और आपकी वजह से मेरे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए. सो आई ऑलवेज फील लाइक आई गेट सम साइन और द अदर वेयर इट कम्स टू मी कि व्हाट आई एम डूइंग इज समथिंग दैट आई एम मेंट टू डू एंड नॉट बिकॉज आई वांट टू और डोंट वांट टू डू इट. इट हैज नथिंग टू डू विद दैट. बट टेल मी नाउ कि अब आवाज है हाँ, स्किल है हाँ, बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी है हाँ, सब कुछ है, लेकिन डू यू डू एनीथिंग एवरीडे लाइफ में जहाँ पे यू टेक केयर ऑफ योर आवाज़? यू नो फ्रैंकली आई बीन वेरी ब्लेस्ड इन दैट सेंस. हम लोग वॉइस ओवर्स भी करते हैं श्रुति एंड यू नो दिस कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए जो उनकी ऑडियो विजुअल वीडियोस होते हैं. So I feel like somewhere it's a blessing that I've never said कि अच्छा आइसक्रीम खाऊंगी तो ऐसा होगा. एंड बेसिकली अगर आपने देखा हो तो मेरी आदतें इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई नहीं हैं. आई एम नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट इन एनी थिंग. ना तो मुझे तले हुए खाने में इतना इंटरेस्ट है, ना तो मैं
आइसक्रीम के पीछे पागल हूँ, तो हाँ ऑयली चीजें आई थिंक कैन बिगाड़ो माई वॉइस ट्रैक, ये मैंने देखा है. और क्योंकि मैं अपने दिन की शुरुआत नॉट अ वेरी हैप्पी थिंग टू से बट चाइनीज तरीके से शुरू करती हूँ, जो कि वो गर्म पानी, गुनगुना पानी पी के विदाउट यू नो स्पिटिंग आउट योर मॉर्निंग स्प्यूटम, व्हिच इज एक्सीलेंट फॉर अपेरेंटली हीलिंग योर बॉडी, क्योंकि उसमें इतनी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. तो द फर्स्ट थिंग आई डू इज आई वेक अप एंड आई हैव दैट वन ग्लास ऑफ वाटर, एंड आई थिंक जस्ट कॉन्स्टेंटली बीइंग हाइड्रेटेड कैन हेल्प यू इन योर स्पीच. ये मैंने एक बात नोटिस की है इन द रीसेंट पास्ट एज एज कम्स ऑन, दैट मे बी इफ आई एम ईटिंग समथिंग ऑयली इट कैन गिव मी दैट गले में खराश, बट आई थिंक बिकॉज मैं गाती हूँ और बहुत जोर से हंसती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरे गले की ना ऑटोमेटिक वहां पे कुछ सारी मसल्स एक्टिवेट हो जाती है. दे आर लाइक हां वी आर इन गुड फंक्शनिंग, हम अच्छी तरह काम कर रहे हैं, चिल. बट यू नो द वाउल द आ ई ओ, बिकॉज your mouth has to be utilized in the best possible way to be able to be clear in your speech. और ये एक चीज थी जो clarity मेरे में नहीं थी, मैं बहुत बड़बोली थी. और मुझे अभी भी याद है मेरे एक कोआरजे थी, उनको दिलीप कुमार साहब के साथ बैठी थी और वो हमारा शो सुन रहे थे, एंड ही सेड ये कौन है ये राजधानी एक्सप्रेस, क्या हुआ इसको, क्योंकि आई यूज्ड टू बी लाइक कहीं ना कहीं वो एक मेरा नर्वसनेस था, इट वॉज नॉट सो मच लाइक आई एम लाइक दैट एज अ पर्सन. एंड आई थिंक ओवर द इयर्स मैंने इतने आईडीआर्स किए हैं बैंक्स के लिए, इफ यू नो द रिक्वायर्ड नंबर डायल वन, ऐसे कर करके इतनी मैं कंट्रोल्ड हो गई हूँ ना अभी कि अब मैं चाहूँ भी तो आई कान गॉबल माई वर्ड्स. इट्स वेरी रेयर कि मेरी स्पीच ऐसे फ्लॉड होगी. एंड फॉर एनी वन वॉन्टिंग टू बी अ रेडियो जॉकी और अ वॉइस आर्टिस्ट, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन टू प्ले इज क्लैरिटी. क्लैरिटी है सब कुछ है, वो आपके आवाज में कूट कूट के श्रुति है, मतलब खनकती है आपकी. थैंक यू सो मच. आई जस्ट रियलाइज कि ये एक जवाब देने में वाइल सेइंग कि हाँ बस मैं तो और कुछ नहीं करती, आपने एटलीस्ट 5-6 ऐसे इतने ब्रिलियंट टिप्स दे दिए हैं कि समवन हु ट्रूली इज इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट या आरजेइंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो अगर वो यही सब चीजें फॉलो कर लेना उनकी नैया पार हो जाएगी. हां वी डू इट विदाउट नोइंग आई थिंक, है ना, बट आई ओ करते नहीं है एनी मोर, वो एक प्रोग्रामिंग हो जाती है. बिकॉज come on yaar, 18 years is like literally like a lifetime. That's a lifetime. Yeah. Yes, exactly. But now I do want to come to this, ki jaise maine starting mein kaha tha ki you know jo hamara voicing ki duniya hoti hai usme hamari aawaz sirf 1% hai, brain jo hai wo hai 99%. So what is your brain food, what do you feed it, kaisi cheeze dekhte ho ya kuch aisi kai nayi skill seekhi ho taki aap aage jaake apne aawaz ko aur behtar kar sako, is there anything of that sort that you've been doing? आवाज को शायद नहीं, लेकिन आई थिंक ओवरऑल फिटनेस और हेल्थ बहुत ज़रूरी है. मैं देखती हूँ कि जब पैंडमिक आया था तो लोग हंस रहे थे कि योगा से लोग बोल रहे हैं कि हम फिट हो जाएंगे, बट एक्चुअली तो ये पूरा खेल कोरोना का भी एक फेफड़ों का जुड़ा हुआ है. सो और ये भी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि लता दीदी जब बीच में हॉस्पिटलाइज हुई थी, दी ओनली रीज़न शी सर्वाइव्ड वॉज क्योंकि उनके फेफड़ों की हेल्थ इतनी अच्छी थी, शी डिडंट सकम टू दैट कंडीशन दैट शी वाज सफरिंग इन दैट पॉइंट. सो आई रियलाइज्ड कि योगा और स्पेशली प्राणायाम की तरह कोई चीज़ पावरफुल नहीं है दुनिया में. एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं गाना गाऊँ या मैं कोई बात करूँ, उसको होल्ड करने के लिए एक सांस का होना बहुत ज़रूरी है. और मुझे याद है अभी भी कि पहले मैं बहुत ऐसे सांस लेते हुए ना मुँह से बहुत मेरी आवाज़ आती थी, एंड नाउ आई थिंक बिकॉज आई हैव स्टार्टेड डूइंग अनुलोम विलोम भस्त्रिका, यू नो यू जस्ट से द वर्ड्स एंड आई थिंक आई हैव जस्ट डन इट आल्सो द पैंडेमिक बिकॉज़ आई रियली गेव इट अटेंशन. मुझे ऐसे लगता है इट रियली हेल्प्स योर माइंड बिकॉज यू आर शार्पर, इट हेल्प्स योर डिक्शन बिकॉज यूर नाउ योर यू नो entire breathing tract is clear. And more than anything else, the one thing I need to train myself is disciplining myself, because it's itna information blast ho raha hai na Shruti, aapko pata nahi hota hai ki aap us jo aapne bola 1% voice over 99% mein, aapko pata nahi hota hai ki aap kis cheez ko tawajjo do, kis cheez ko coverage kar do, aap kis cheez ko zyada bolo. Ye bhi ek control hota hai jo sabse best line hoti hai ki know when to stop or know when to not say what you have to you think you need to say, because radio बहुत powerful medium है. क्योंकि जब आप visually कोई चीज़ देखते हो बहुत distracted होते हो, but एक आवाज़ एक ऐसी चीज़ है जो सीधे आपके दिल में जगह बना देती है. एंड
रियली आई एम सॉरी बट आई हैव टू से दिस, वी हैव टू लर्न टू अग्री टू डिसएग्री. ये आगे बढ़ते हुए ये एक चीज़ है जो मैं एक आरजे के रूप से भी नहीं बट इवन एज अ पर्सन जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है, वी हैव टू नो कि हर किसी का दूसरा अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है एंड हेंस वी नीड टू एक्सेप्ट इट. सो व्हाइल हूएवर वांट्स टू बी इन दिस फील्ड नो दैट यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाइल यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू ऑल्सो हैव टू एंटरटेन. क्योंकि एक चीज़ पक्की है, ये सेंस ऑफ ह्यूमर इज नॉट समथिंग वी आर बॉर्न विथ और ये सेंस ऑफ ह्यूमर मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है बिकॉज एज यू स्टार्ट एजिंग यू टेक थिंग्स टू सीरियसली, आप बहुत ज़्यादा स्टिफ अपर लिप के साथ बनते जाते हो. तो ये एक चीज़ मेंटेन करने में ना मुझे ऐसे लगता है या तो यंगस्टर्स के साथ ज़्यादा टाइम बिताया करो. मिल्खा सिंह जी से एक बार मेरी इंटरव्यू के दौरान बात हुई तो ऐसे सर यू आर सो अमेजिंग, आप कितने कूल हो, ऐसे ऐसे मैं बोली थी उनको, देखो बेटा मैं बूढ़े लोगों के साथ टाइम नहीं बिताता, मैं बच्चों के साथ टाइम बिताता हूँ. और क्योंकि जो यंग लोग होते हैं वो जवान होते हैं, खुश होते हैं, बूढ़े लोग बोलते हैं अरे मेरा बेटा मेरा ख्याल नहीं रख रहा, अरे मेरा. सो आई वॉज लाइक हाउ सैड एंड हाउ ब्यूटिफुल एट वंस व्हाट ही इज सेइंग इज यू डोंट सेट. ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ. Rigidity versus fluidity. All about being with younger people means कि आप flexible ज़्यादा होते हो because आप बाकी opinions को accept करते हो. So if we can maintain that, we are sorted. Exactly, and be a good listener. I was so fortunate, Shruti, that this in the lockdown मुझे मेरे भांजे के साथ time spend करने को मिला. He's an 11-year-old boy और उसकी हर चीज़ को देखने का जो एक नजरिया इतना अनोखा है, इतना मजेदार है. I said, oh my God, this is what I needed to learn maybe, you know, and sometimes we stop learning. So thank you for reminding that, yeah, what is it that I've learned? I think I've learned to accept things more. I think I've learned to try and say more and less. Yes, I'm trying, still trying. But haan, ye cheez hai ki never ever ever feel that you've arrived. Kitne bhi aap किसी भी मीडियम में यू नो बहुत प्रावेस पा लिए हों या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हों, द ट्रूथ इज वी आर ऑल समवेयर इन द डार्क. किसी भी चीज़ को देख के हमको सब कुछ नहीं आता. जब आप में वो एक ह्यूमिलिटी आ जाती है देन यू आर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग हार्डर. यू आर नॉट सिटिंग ऑन योर पास्ट लॉरेल्स. यू नो आई बीन फॉर्चुनेट, आई मे हैव नॉट गॉट ऑल द अवार्ड्स इन द वर्ल्ड, लेकिन जो भी किया है, जहाँ एफर्ट डाला है, उसका एक रिकग्निशन मिला है. एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल बिकॉज टू बी रिवॉर्डेड और अवॉर्डेड फॉर मोर देन दैट, इट्स जस्ट द फैक्ट दैट समबडी एक्नॉलेज्ड कि आपने कुछ किया एंड दैट इन इटसेल्फ इज सच अ बिग थिंग, यू नो. एंड नॉट अ ह्यूज थिंग. Yeah, it's a big thing and then you feel very encouraged ki haan main kahin na kahin main kuch sahi kar rahi hu. ek confirmation milta hai mujhe and I always believe in this universal language, so I get a confirmation that yeah, this is such a good thing that's happening. What's really interesting is you spoke about learning something, so there of course I want to interject and ask you specifically about skill. कि जहाँ पे आपकी आवाज़ की बात हो रही है, अब आप अगर 18 साल से यू नो एक ही मीडियम में हो, ऑब्वियसली देर इज लॉट ऑफ बेसिक स्किल्स यू डोंट इवन नीड टू टॉक अबाउट, क्योंकि वो तो आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं. लेकिन कभी रिसेंटली में ऐसा हुआ है कि आप कोई काम करने गए, चाहे आप एक शो कंडक्ट कर रहे थे या फिर रेडियो पे थे या कोई वॉइस ओवर यू नो एड कर रहे थे, TVC कर रहे थे, एंड उसमें हुआ नहीं? लाइक हैज इट हैपेंड रिसेंटली कि कोशिश की लेकिन यू नो यू डिडंट हिट इट ऑन द मार्क? उस केस में व्हाट डिड यू डू, हाउ डिड यू टैकल दैट? आई थिंक इट्स प्रोबेबली द पेस एट विच द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, श्रुति. इट हैज चेंज्ड अ हेल ऑफ अ लॉट. आज हमको लगता है कि यू नो पहले हम लोग जब लंबे लंबे रेडियो शो सुनते थे, एक पूरा शो आंखों पे डेडिकेटेड होता था. देन केम द गीतमाला स्टेज, देन केम अस आरजेज, यू नो, हु वर टॉट टू एंगेज इन अ सर्टेन वे. आई थिंक व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन द रीसेंट पास्ट इज never more than ever before because of the attention spans, less is more. So mujhe aise kabhi kabhi aise lagta hai, you're right, if I haven't cut the mark to something, it's probably because you're not speaking to the point. Even in this line of question jo aapne pucha, mujhe aapka sawal pehle samajh to aa gaya, lekin uska ek jawab dena ki main kaise bolu ki ha maine kya seekha, because frankly a lot of these things we do very organically. Hum log sochte nahi hai ki aisa aise kiya tha. Exactly, you know. So I don't think I thought back about something like that, but I definitely know if I didn't make it, it was probably because I wasn't very swift enough. This is the error, to be as fast as you can be. Sometimes main aapke jab Instagram stories dekhti hu, and that's why stories work so brilliantly now of course the reels that has come in, is because people like more in less.
And if I haven't been able to hit the nail on the head in the first go, then maybe somebody on the other end who's trying to give you a show to host, or maybe somebody who's trying to get you on to do a voiceover, may think, I think thoda old school hai, ya maybe sluggish hai, or maybe it's not at the pace that I want. और ये एक बात है कि मेरे unfortunately या fortunately मेरी आवाज में बहुत warmth है. So sometimes when I'm being asked to play up with attitude or something, it's very tough for me. And that's when I realized that if there is one skill I definitely want to build upon, and more so because the future is audio, तो वो है एक voice artist की तरह उसमें बहुत drama डालना, जहाँ आप कोई भी role में अपनी आवाज को ढाल सकते हो. Because I remember radio, if अगर दुनिया गोल है तो रेडियो की शुरुआत ही तब हुई थी जब सिंगर्स अपनी सिंगिंग रेडियो पे करते थे, एक्टर्स अपनी एक्टिंग रेडियो पे करते थे, और वो धीरे धीरे जमाना फिर से वापस आ रहा है. आई थिंक ऑलरेडी आ गया है. That's why अभी हम इतना लंबा कभी रेडियो पे सोच सकते हो कि आधे घंटे का इंटरव्यू चल रहा है और बस बातें किए जा रहे हैं. Can you ever imagine? I'm loving it. मुझे तो लग रहा है हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं with our cup of coffee, just chilling and chatting. It's beautiful. That's perfect. That is how it is supposed to be. You know, बातें करना, ये पॉडकास्ट का फॉर्मेट, इसने सब कुछ बदल दिया है. ऑडियो सीरीज, सारी जो एक्टिंग हो रही है उसके अंदर ठहराव ही अब वापस आ गया है. Which, you know, so there I little bit disagree with the pace. I think depend करता है ऑडियो की कौन सी दुनिया में आप हैं. रेडियो में पेस डालोगे तो आपकी मतलब खत्म हो जाओगे वहीं पे. लेकिन maybe I was talking, I was referring to where I was dejected, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कभी-कभी जब आप कोई ऑडियो विजुअल के लिए वॉइस दे रहे हो तो उसमें ना वो चाहते हैं कि एक पेस भी हो, लेकिन जैसे आपने बोला एक स्पेस भी हो. अभी ये कैसे होता है मुझे समझ नहीं आता. बट या आई गेस एज अ प्रोसेस गोस ऑन, वी विल हैव टू सी एंड वेट एंड वॉच हाउ दैट इज गोइंग टू प्रोग्रेस. But I totally agree with you. It's slowly and gonna come. And always quote Will Smith's movie I'm Legend. उस picture में सिर्फ Will Smith, एक doggy और एक RJ ही बाकी थे. I was like, ये कैसे हो सकता है? सारे लोग भाग गए हैं with the invasion of those zombies are. But ये radio jockey क्या कर रहे हैं यहाँ? Because RJs are the real hero. RJs are the real hero. People don't realize it. लेकिन हैं. They're on air. दिखते नहीं भूत हैं. दिखते नहीं पर सुनाई देते हैं, बट ठीक है. बस हम हैं आसपास भूतों की तरह. So now this brings me to the last question of this amazing episode that it has been. लेकिन थोड़ा भारी भरकम सवाल है. Be ready for it, हाँ? Because ये सारा focus आप पे है. So I want you to teach us एक या दो exercises which we can do. Now this is the good part. To calm our nerves and get in the zone for जब आवाज देनी हो. Oh God, very nice question. पहले तो एक ग्लास नॉर्मल पानी पी लो, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है पानी पीने से जो हाइड्रेशन अगर बॉडी में जिसकी कमी है तो वो हो जाएगी. दूसरी बात, इफ पॉसिबल ट्राई एंड टेक 7 डीप ब्रेथ्स, बिकॉज डीप ब्रीदिंग, व्हेन यू ब्रीथ डीप इनटू योर बेली, जो हम लोग बहुत कम करते हैं, बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं हमारी ब्रीदिंग ही फ्लॉर हो गई है. और जब बेली में ज़्यादा ऑक्सीजन नेटेड नहीं होता है तो आवाज़ कहीं ना कहीं गले से थोड़ी शैलो आती है, डेप्थ के साथ नहीं आती. सो आई वुड थिंक डीप ब्रीथ करो, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, एंड ट्राई एंड फर्स्ट रीड द स्क्रिप्ट एंड अंडरस्टैंड कि आपकी आवाज़ होनी कैसी चाहिए. देन यू जस्ट नीड टू पिच योर वॉइस करेक्टली. बट नो दिस कि इट्स नॉट ईजी. सबको लगता है कि वॉइस आर्टिस्ट बनना, आरजे बनना एक बहुत आसान बात है. But the biggest quality is to know how to pitch your voice. जब आपकी pitching सही होगी तो लोग आपसे भागेंगे नहीं, लोग ये नहीं कहेंगे कि आपको आपका craft नहीं आता. और उसके लिए I think listening, being a good listener is your best exercise. जब आप सुनते हो कि इस इंसान ने अपनी आवाज़ use कैसे की है, and then you try and imitate it, try and emulate it. फिर आप बोलो कि अच्छा अगर मुझे किसी स्पोर्ट्स ब्रांड के लिए बोलना हो तो अच्छा ये ऐसे बोलते हैं, let me try. एंड आप जहाँ कहीं पर भी जाएँ, लिसन टू द साउंड अराउंड यू. बिकॉज बहुत सी बारी मेरे लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई कि जहाँ मुझे एक कोई स्पेसिफिक किरदार प्ले करना था, लेकिन क्योंकि उस टाइम पर श्रुति मैं उस आवाज़ में ढल नहीं पाई, उस पर्सनैलिटी को अपने अंदर इतना छाप नहीं लिया था कि मैं उसको बोल पाऊँ, तो मुझे इस टाइप कास्ट किया गया. ओ द क्लासी वॉइस इज अर्चू. So there wasn't, you know, somehow I think I couldn't break the barrier of I'm
I'm decent at my mimicking. I'm not saying I'm great, but I'm decent. It's so amazing that you're talking about this right now, because ye meri life mein abhi ho raha hai. Kyunki I have a natural Panju twang. So there are a couple of characters that you know I've been cast for. Jahan pe unko unhone kaha nahi, lekin hame ye Panju twang nahi chahiye, hame kuch aur thoda chahiye. Maine kaha bata do kya chahiye. Unhone kaha acha thoda Banarasi dal sakte ho isme. Ekdam se na I went blank. I was like Banarasi. Of suddenly kahan se leke aao? Then I had to do my research. I had to go into it and figure out ke wo basic baat karne ka, because basically aap hindi mein hi baat karoge ya jo aapki script hai usse to aap dur ja nahi sakte. To usi ke andar kaise aap apne ands and the way you finish your sentences and the way aap may ya tab tum, you know, jo kuch kuch words hote hain uska lehja agar pakad lo, that's how you, but uske liye mehnat lagti hai, like you know I realized kuch naya seekhne ke liye, ek accent ko badalne ke liye kya jata hai uske andar. So this has been your bang on when you're saying that. In fact, my last interview with the legend Rishi ji was for 102 Not Out, and tabhi wo aur Bachchan sahab jab interview de rahe the to unhone ek hi baat boli ki bhai ये आज भी मेथड एक्टिंग कर रहे हैं बच्चन साहब, इतने बड़े लेजेंड हो गए हैं, लेकिन इन्होंने क्योंकि इस कैरेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक इनका एक ट्वैंग था इनके स्पीच में जो उन्होंने किया था, वो पीकू के लिए जो उन्होंने बंगाली किया था, तो हमेशा सीन के पहले से ही वो वार्म अप कर देते थे, कुछ भी बोलते थे उसी एक्सेंट में, एंड देन ही वुड स्टार्ट हिज डायलॉग्स. एंड दिस इज एनी एक्टर विल टेल यू कि आप अपनी जो लाइन्स आपको डिलीवर करनी है उससे पहले ही थोड़ा सा अगर वार्म अप करते हुए उसी अंदाज में बोलोगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू गेट इनटू दैट मूड. एंड आई डेफिनेटली फील बरेली की बर्फी हो गई या कोई भी शुभ मंगल सावधान, जो भी आज के लिए सिंपल टाउन वाली फिल्में बनती हैं, उसमें ये हमारे एक्टर्स ने कैसे इतने नेचुरली कर लिया, गॉड ब्लेस देम. बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी ऑल नीड टू मूव टुवर्ड्स. ये ग्लोबलाइजेशन के साथ एक भार आ गया हमारे ऊपर कि वी नीड टू फिट इन एवरीवेयर एंड लाइक एग्जैक्टली एंड यूज योर वॉइस फॉर एंटरटेनमेंट सेक. आर यू गोइंग टू टीच अस समथिंग टू डू, लाइक सम ब्रेथ समथिंग, बिकॉज़ यू हैव गिवन अस ब्यूटीफुल टिप्स कि क्या करना चाहिए. आई लव दैट पानी वाला टिप एंड आई लव सेवन ब्रेथ्स, लेकिन उसके अलावा आर वी गोइंग टू डू सम लाइक एक्शन जोन में जाएंगे? आई नेवर थॉट आई डू दिस. मैंने अमेरिकन से एक्चुअली वॉइस कल्चर का एक प्रोग्राम किया था और हम सब स्टूडेंट्स एक दूसरे को देख रहे थे कि हम लोग ने 1500 रुपए वेस्ट बर्बाद किए यहाँ पे. मुझे समझ नहीं आया आदमी ने किया, बट आज समझ आता है क्योंकि थोड़ा बहुत मैं गाती रही हूँ. आवाज को थ्रो करने में एक बहुत बड़ी बात होती है, नॉट एवरीबडी इज बड़बोला लाइक श्रुति बोला एंड अर्चना पांड्या. सो यू हैव टू नो दिस कि टू ओपन आउट योर थ्रोट यू नीड टू फर्स्टली यूज योर माउथ रियली वेल. उसके लिए जो आपके लिप्स हैं वो अच्छे से ऐसे वाइड ओपन कर लो, जैसे आप किसी चीज को देखे हा ऐसे बोल रहे हो, और ऐसे इसको खोल के सो इफ यू नोटिस हम पूरे चेस्ट और डायफ्राम को बहुत अलग तरीके से यूज करते हुए उसके डेप्थ्स में जा रहे हैं. That's what I was saying, the vowels, it's the best exercise ever, R-E-O-O, लेकिन उसमें एक खुलापन लाओ. जैसे ही खुलेगा योर माउथ विल बी एबल टू kind of adapt itself and be able to say the words and round it better. क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग खुद के वर्ड्स को खाते हैं. तो अर्लियर मैं बोलती थी फाइव, तो मेरी एक सीनियर थी, उसने बोला व्हाट आई सेड फाइव द नंबर फाइव, शी सेड इट्स नॉट फाइव इट इज फाइव, यू नो. सो वी डोंट रियलाइज बोलचाल में इतनी चीजें हम गलत कर रहे होते हैं. ये बहुत आशीर्वाद की बात है श्रुति की हम लोग ने उस टाइम उस दौरान शुरू किया था जब बहुत सारी नई 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 चीजें हो रही थी. सो इवन आवर सीनियर्स रियलाइज कि अच्छा ये नए हैं, तो यू नो दे वुड गिव अस दैट टाइम ऑफ द डे. बट एज टाइम गोज बाय शायद लोगों की वो एक बोलते हैं ना देयर सेंस ऑफ patience might be lesser, maybe. I'm saying definitely patience कम है. Pace ज़्यादा होगी तो patience तो गिरेगा ही. Patience कम है. जितने chances हमें मिले थे, हमने क्या-क्या blunders किए हुए हैं on air. मतलब I remember I've done many. I'm sure you also have your कहानी. So आज वो वाले chances नहीं मिलेंगे किसी को. Because आज pace का ज़माना है. Like you had rightly pointed. Yeah, I totally agree. And I think the biggest loss with globalization is कि कहीं ना कहीं हम लोग actually हमारी एक जो innate quality of being इंडियंस एंड ठेठ, वो ठेठपना जा रहा है. ये अच्छी बात है कि ऐसी फिल्में ज्यादा बन रही हैं तो हमारा एक्सपोजर बढ़ रहा है, बट ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में वी वॉन्ट टू बी मोर कूल देन वी वॉन्ट टू बी देसी. और ये चीज़ मैं हमेशा
I don't know why I feel so strongly. You know, it's amazing what you're bringing up. Because imagine अगर हम पूरी दुनिया में travel करें और जहाँ जहाँ जाएं हमें same दुकानें, same shops, same malls, सब कुछ अगर same दिखेगा तो फिर दुनिया travel करने में मजा क्या आएगा? हर एक जगह जो अलग अलग है तभी मजा आता है ना? We are so beautiful when we're unique. अगर इंद्रधनुष में सात रंग नहीं होते तो मजा भी नहीं आता. And that is exactly. My last tip for anyone who wants to be an RJ, who wants to be a voiceover artist. अपनी आवाज ढूंढो. आप me too किसी और की तरह बनके कभी भी लाइफ में स्टैंड आउट नहीं करोगे. Nobody will remember you. But the minute you have something of your own, something unique जो आप लाते हो टेबल पर, तो हर कोई आपके लिए मांगेगा, आपके लिए पूछेगा, आपके लिए सर्च करेगा कि यहाँ वो इंसान चाहिए. और ये एक बारी जब एक बहुत प्यारी आवाज़ हमारी टेलीविजन पे एक डिटर्जेंट के लिए आई थी एंड इट वॉज वेरी खरदुरा एंड आई सेड ओह माय गॉड ऐसी आवाज़ कैसे, एंड दैट्स व्हेन आई न्यू कि यही है. शी सेलिब्रेटेड हर यूनिकनेस और आज उसको ये इतना बड़ा एड कैंपेन मिला है. हम सबको उसे सीख लेनी चाहिए. That's all. So celebrate your authenticity. Be more authentic, be more unique, and that's the take from today, which is so wonderful. Archana, thank you so much. Today has been so super wonderful. And कभी मतलब मैंने सोचा नहीं था कि हम इस पॉइंट पे आएंगे जहाँ पे ये हो रहा होगा. Like you know that I'll be like asking you questions and जहाँ पे you're going to be giving me like full जवाब. I love it. Thank you so much. For Actually, real life में उल्टा होता है. मुझे श्रुति से बहुत ज्ञान मिलता है. She's very learned. तो वो जब मुझे मिलती है तो मेरे पास एक list of questions होते हैं. फिर universe को बोला कि भैया इसको अभी balance करना होगा. श्रुति तुम भी पूछ लो कुछ सवाल उससे. Thank you. You're awesome and I love you dearly, dearly from the bottom of my heart and soul. Thank you so much. तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड ऑन सेकंड नेचर? जरूर मेल भेजिएगा ऑन strongjad@gmail.com. Also remember to hit follow on My Second Nature. And of course, अगर आप अर्चना पन्या को follow करना चाहते हैं, on Instagram you can look her up with Archana Panya. That's ARCHANAAPANIA.